मैं आरती आदि बोनो किचन से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में बच्चों को केक खाना बहुत ज्यादा ही पसंद होता है, तो आज हम बनाएंगे घर पर ही बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम इजी केक। बिस्किट से केक बनाएंगे जिसे बनाना तो आसान है और खाने में भी केक बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पार्ले जी बिस्किट का केक। पार्ले जी बिस्किट केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो पार्ले जी बिस्किट के पैकेट। ये 10-10 रुपीस वाले बिस्किट के पैकेट है। अगर ग्राम से मेजरमेंट करें तो मैंने लिया है 220 ग्राम्स बिस्किट। बिस्किट केक बनाने के लिए हम सबसे पहले बिस्किट के छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सर जार में डाल लेंगे। ये हमने लिया है मिक्सर जार, तो हम इसमें बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। बिस्किट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, तो हम इसे पीस के इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट को पीस के हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया है, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने लिया है ये एक मिक्सिंग बाउल, उसके ऊपर रखी है मैंने छन्नी। जब भी आप केक बनाएं सभी चीजों को छान कर लें। बिस्किट पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। बिस्किट पाउडर को मैंने छान लिया है। केक को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर। आप इसकी जगह पे चाहें तो कोको पाउडर का यूज भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इससे केक में। साथ ही हम इसमें डाल दूंगी पिसी हुई शक्कर। आज हम बिस्किट केक बना रहे हैं और बिस्किट भी हमारे मीठे होते हैं, तो शक्कर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। मैं इसमें 6 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। और केक बनाने के लिए आपको पिसी हुई शक्कर का ही यूज करना है। चॉकलेट पाउडर और पिसी हुई शक्कर को भी अच्छे से छान लेंगे हम। सभी चीजों को हमने छान लिया है, तो एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। केक में डालने के लिए मैंने लिया है ये 1/2 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, इसमें डालेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से और लगातार इसे चलाना है हमें। लगातार बैटर को चलाएंगे। लगातार इसे चलाते हुए इसकी सारी गुठलियां हमें खत्म कर देनी है, एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए केक के बैटर में। 2 से 3 ड्रॉप मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से बैटर में मिक्स करेंगे। केक के बैटर को हमने लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेट लिया है। और ये देखिए केक बनाने के लिए हमें एकदम ऐसे ही बैटर की ज़रूरत है। केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नारियल बूरा। ये एकदम ऑप्शनल है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है जब हम केक खाते हैं और उसके बीच में आता है। तो वापस से केक के बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। केक का बैटर हमारा एकदम तैयार है। आज मैं इस केक को इस केक टिन में बना रही हूँ, तो जिसमें भी आप केक बनाए उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। आप ऑयल की जगह पे चाहे तो बटर का यूज भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जब केक को निकालें तो वो इजीली निकल जाए। केक टिन को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया। आज मैं इस केक को इस तपेली में बना रही हूँ। आप इसकी जगह पे चाहें तो कुकर या कढ़ाई का यूज भी कर सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी नमक। इस नमक को मैंने बेकिंग के लिए कई बार यूज किया है। अच्छे से फैला देंगे नमक को। आप इसे ठंडा होने के बाद वापस से किसी कंटेनर में बंद करके रख दें। अब मैं इसमें रख दूंगी ये स्टैंड, ढक करके नमक को 10 मिनट के लिए रीहीट होने देंगे। केक टिन में मैंने डाला है 1 चम्मच मैदा और उसे अच्छे से डस्टिंग कर दिए, जिससे कि जब हम केक निकालें तो वो इजीली निकल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच टूटी फूटी, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे टूटी फूटी को केक के बैटर में। 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ इनो फूड सॉल्ट। आप इसकी जगह पे चाहें तो बेकिंग पाउडर सोडे का यूज़ भी कर सकते हैं। और इनो फूड सॉल्ट आपको तभी डालना है जब आप केक को बेक होने के लिए रखें। अच्छे से रोटेट करेंगे और इनो फूड सॉल्ट डालने के बाद आपको केक के बैटर को एक साइड से ही रोटेट करना है। और ये बैटर हमारा एकदम बेक होने के लिए तैयार है, तो हम इसे केक टिन में शिफ्ट कर देंगे। केक के बैटर को इसमें डाल देंगे। केक के बैटर को मैंने केक टिन में डाल दिया है, तो एक बार केक टिन को टैप कर देंगे जिससे कि इसमें एक भी एयर बबल्स ना रह जाए। और ये केक हमारा बेक होने के लिए एकदम तैयार है। नमक भी हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो हम इसके अंदर रख देंगे केक का कंटेनर। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 20 से 25 मिनट के लिए अपने केक को हम बेक होने देंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। मिनट हो गया है, केक को भी एक बार चेक कर लेंगे। ये मैंने लिया टूथपिक,
आप इसकी जगह पे चाहें तो नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। केक का बैटर अभी टूथपिक में लग रहा है तो हम इसे 10 मिनट के लिए और बेक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, वापस से केक को एक बार चेक कर लेंगे, टूथपिक डालेंगे। ये देखिए टूथपिक हमारी एकदम नीट एंड क्लीन आ रही है, केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपने केक टिन को बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर रख देंगे, केक टिन को अब हम ठंडा हो जाने देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही उसमें से केक बाहर निकालेंगे, वरना केक आपका टूट सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो ये मैंने ली है नाइफ, नाइफ की हेल्प से केक का साइड कॉर्नर हम निकाल देंगे और केक को आपको ठंडा होने के बाद ही केक टिन से निकालना है। केक की मैंने साइड कॉर्नर निकाल दी है। ये मैंने ली है एक प्लेट, केक के ऊपर रखेंगे, पलटाएंगे वापस से इस तरीके से और हल्के हाथों से टैप कर देंगे केक टिन को, जिससे कि केक हमारा इजीली निकल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट फ्लफी और जालीदार केक बना है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए सॉफ्ट और एकदम स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। वापस एक प्लेट लेंगे, पलटा देंगे, बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस हमारा बिस्किट केक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बनाना भी इससे बहुत आसान है और हमारे किचन में जो सामान अवेलेबल है उसे ही हमने इसे बना के तैयार किया। और बच्चों को तो केक बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, तो जब भी आपके बच्चे केक खाने की जिद करें तो आप मार्केट से न ला के घर पर ही बनाएं। बनाना बहुत आसान है, रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।